पेशवा बाजीराव की कहानी। बाजीराव को मिल गया है उनकी मस्तानी का साथ। दो प्यार करने वालों के एक साथ आने के साथ ही अपने अंतिम छोर पर पहुंच गया है पेशवा बाजीराव का ये सफर। बाजी के ड्रीम्स में मैं आती हूँ एंड मैं उनको मेरे साथ फाइनली मतलब हम दोनों साथ हो गए, वही दिखा रहे कि मैं ले जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे दिखा रहे कि मेरा भी डेथ हो गया है। वेल, इस लास्ट सीन को अगर देखें तो फिल्म बाजीराव की याद आ जाएगी। बिल्कुल वैसा ही सीन फिल्माया गया है जहाँ पर एक तरफ काशीबाई अपने बाजीराव को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बाजी ने अपनी मस्तानी की याद में अपनी सांसें छोड़ दी है। बहुत कोशिशें की, मासा के आगे गिड़गिड़ाई भी, लेकिन वो अपने बाजी को बचा ना सकी। काशी ने तो आज अपने बचपन के दोस्त को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है, क्योंकि बचपन से उसने बाजी के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। मशाल जला के रखती है, उसका इंतज़ार ही रह जाता है। एंड एंड में वो भी चाहती है कि सब कुछ ख़त्म है, वो ख़त्म हो चुकी है, पर जो शमशेर है उन दोनों का बेटा, वो उसकी लाइफ में एक उम्मीद लेके आते हैं। ये आखिरी सीन जितना फिल्मी था उतनी ही फिल्मी एंट्री थी हमारे छोटे बाजीराव की, जो शूटिंग के आखिरी दिन अपने सारे को एक्टर्स और क्रू से मिलने पहुंचे थे। शुरुआत तो मैंने की है, पर अभी अंत बड़े बाजीराव कर रहे हैं और आज लास्ट डे है सबका, तो आज मिस करने वाला हूं सबको, इसके लिए आज मैं आ गया सबसे मिलने के लिए। बड़े चिमना मॉम भी आई हैं आज, तो फिर आज अच्छा लग रहा है थोड़ा। पेशवा बाजीराव का ये सफर बहुत जल्द ही समाप्त हो गया है, लेकिन इस थोड़े से समय में दर्शकों के दिल में एक खास जगह भी बना ली है। कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।